हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने फुल डीजे सेटअप का कनेक्शंस किया था जो कि टू वे मोड में था। आज के इस वीडियो में हम फुल डीजे सेटअप का कनेक्शंस करेंगे लेकिन थ्री वे मोड में। आप लोगों में से काफी लोगों का डिमांड रहता है थ्री वे मोड के बारे में, तो आज के इस वीडियो में आपका जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे थ्री वे मोड को लेके। ये वाला वीडियो भी उसी दिन शूट हुआ था और इसका जो टेस्टिंग था वो हमने रात को किया था। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता रहे, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला पाऊं। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप थ्री वे मोड में अपने डीजे सेटअप को कैसे चलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पॉप के दो एम्पलीफायर है इसको हमने यूज किया है बेस के लिए, और इन दोनों एम्पलीफायर को हमने यूज किया है चार टॉक के लिए, और इस एम्पलीफायर को हमने यूज किया है हमारे दो कस्टमेड लाइनरे के लिए, और इस क्रॉसओवर के थ्रू हम थ्री वे मोड कनेक्शन करने वाले हैं। पहले हमें इन तीनों को कनेक्ट करना है, दो प्लेयर और एक मिक्सर को। तो प्लेयर से लेके हमने चैनल वन में मिक्सर के इनपुट कर दिया। और दूसरे प्लेयर से चैनल थ्री में इनपुट कर दिया। अब हम मिक्सर के मास्टर आउटपुट में से एक आउटपुट ले लेते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं हमारे एक्टिव क्रॉसओवर के चैनल वन और चैनल टू में। जैसे कि पहला जो एम्पलीफायर है उसको हम लाइनरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें हाई में से आउटपुट निकाल लेना होगा और उसको कनेक्ट कर देना होगा हमारे पहला जो एम्पलीफायर है जिसको हम मिड हाई के लिए रिस्पॉन्स कराएंगे उसके साथ। और नेक्स्ट हमें हमारे चार टॉप के लिए आउटपुट निकालना होगा मिड से। यहाँ पे चैनल वन से हमने आउटपुट निकाल लिया और चैनल टू से आउटपुट ले लिया, और इसको हमें कनेक्ट कर देना है नीचे के जो दो एम्पलीफायर से उसके साथ। तो पहले एम्पलीफायर के साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और पहले एम्पलीफायर से हमने दो डायरेक्ट आउटपुट ले लिया, और उसको डेजी चेन कर दिया दूसरे एम्पलीफायर के साथ जिसको हम टॉप के लिए यूज कर रहे हैं। अब हमें हमारे सबवूफर्स के लिए आउटपुट ले लेना होगा। हमने एक्टिव क्रॉसओवर के लो आउटपुट में से आउटपुट ले लिया चैनल वन और चैनल टू से, और उसको हमें कनेक्ट कर देना है हमारे जो दो एम्पलीफायर है जिसको हम सबवूफर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके साथ। यहाँ पे हमने चैनल वन और चैनल टू के साथ कनेक्ट कर दिया, और पहला जो एम्पलीफायर है उसमें से दो डायरेक्ट आउटपुट चैनल वन और चैनल टू से ले लिया, और उसको कनेक्ट कर दिया दूसरे एम्पलीफायर के चैनल वन और चैनल टू में। इन एम्पलीफायर को हम स्टीरियो मोड में यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे जो दो सबवूफर्स के लिए एम्पलीफायर है वहां से हमने चार स्पीकर के लिए आउटपुट ले लिया है और उसको कनेक्ट कर दिया अपने बेस के साथ, और यहाँ से नीचे की जो दो एम्पलीफायर है वहाँ से हमने चार आउटपुट ले लिया चैनल वन चैनल टू और दूसरे एम्पलीफायर का चैनल वन चैनल टू, इसको कनेक्ट कर दिया टॉप के साथ, और ऊपर का जो एम्पलीफायर है इसको हमने कनेक्ट कर दिया हमारे दोनों कस्टममेड लाइनरे के साथ। अब हम क्रॉसओवर का सेटिंग जान लेते हैं। पहले हमें इनपुट का गेन को 0 dB में रखना है, लो फ्रिक्वेंसी को हमें 120 तक रिस्पॉन्स कराना है, और नेक्स्ट हम 120 हर्ट्ज से लेके 700 हर्ट्ज तक मिड में से आउटपुट कराएंगे, और
और 700 हर्ट्ज से लेके ऊपर की जो फ्रिक्वेंसीज है वो हाई से आउटपुट होंगे। आप चाहें तो इसको 1000 हर्ट्ज तक भी रिस्पॉन्स करा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लो का आउटपुट को 0 डीबी में सेट कर देते हैं, मिड का भी आउटपुट को 0 डीबी में और हाईज का भी आउटपुट को 0 डीबी में सेट कर देते हैं। ऐसा ही दोनों चैनल का होगा। तो चलिए इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।